Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, and today's topic is biology and control of lepisma, pediculus and cimex. So let's get started. और इसमें हम ये discuss करेंगे कि किस तरीके से lepisma is आपका silver fish को कहते हैं, pediculus and cimex. ये आपके जो bed bug होते हैं, louse होता है और आपका silver fish. इनके लाइफ साइकिल को हम डिस्कस करेंगे एंड इसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये डैमेज कॉज करते हैं, तो कि हम इसमें डिस्कस करेंगे. चलिए, फर्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे, हम सिल्वर फिश के बारे में डिस्कस करेंगे. आपने अपने घर में देखा होगा कि सिल्वर जो फिश होती है वो सिल्वर कलर की दिखती हैं, एंड इसका जो साइंटिफिक नेम है, इट इज़ नोन एज लेपिस्मा और सैकरीना. लेपिस्मा सैकरीना यहाँ पे लिखा नहीं गया है, इसका साइंटिफिक नेम है सैकरीना. हाँ, RINA. ओके, सैकरीना. ये आपका जो क्लास इंसेक्टा है, फाइलम आर्थ्रोपोडा क्लास इंसेक्टा है, उससे बिलोंग करता है. एंड ऑर्डर इज़ आपका थाइसेनूरा. ऑर्डर इज़ आ थाइसेनूरा एंड फैमिली इज़ आपका लेपिस मिटाइडी है. ये यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा. यहाँ पे MA हो जाएगा यहाँ पे, अगर लेट मी राइट इट हेयर. ओके, LEPISMATIDAE. ये आपका लेपिस मिटाइडी है और ये फैमिली है और इसी से आपका बना हुआ है लेपिस्मा. ओके, जिसे हम सिल्वर फिश कहते हैं, इट इज़ कॉमनली नोन एज सिल्वर फिश. तो इसके कुछ इंट्रोडक्शन, यानी क्या क्या इसके कैरेक्टर्स हैं, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. इट इज़ कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन. जो पॉलिटन होते हैं, मतलब वर्ल्ड वाइड पाए जाते हैं, एंड मेनली फाउंड इन लिविंग मॉइस्ट वार्म जो प्लेस होता है, एंड इन ओल्ड बुक्स एक्सेट्रा. जो ओल्ड बुक्स होते हैं, जो पुरानी बुक्स होती हैं, उनमें ये आपके सिल्वर फिश पाए जाते हैं. आपने अपने घर में देखा ज़रूर होगा. इट इज़ वाइटिस विंगलेस इंसेक्ट एंड ऑफ अबाउट 13 mm इन लेंथ एंड फाउंड टू बी वेरी एक्टिव. ये जो होते हैं, ये वाइटिस या सिल्वर कलर के भी दिखते हैं, थोड़े वाइटिस होते हैं एंड विंगलेस होते हैं, इनमें विंग्स नहीं पाई जाती है. और जो इनकी लेंथ होती है इज़ अबाउट 30 mm एंड ये बहुत एक्टिव होते हैं. एंड दे आर फाउंड एक्टिव थ्रू आउट द ईयर इन वार्म क्लाइमेट, और जहाँ पे वार्म जो होता है, गर्म जगह होती है, वहाँ पे पाए जाते हैं, एक्टिव होते हैं थ्रू आउट द ईयर. एंड ये डैमेज कॉज करते हैं, लाइक सिल्वर फिश मेनली अटैक ओल्ड बुक्स. जो भी ओल्ड बुक्स होती हैं, घर में रखी होती हैं, उन पे अटैक करते हैं, एंड मैगजीन्स होती हैं, बट ऑल्सो इनफेक्ट स्टार्च क्लोथ्स जो होती हैं, रेयॉन फैब्रिक्स होते हैं, एंड बुक लेबल्स होते हैं, LABALS हो गया लेबल्स, एंड बाइंडिंग्स जब होती है, वेन एवर ग्लू हैज़ बीन यूज्ड, जब ग्लू यूज़ होता है, तब ये क्या करते हैं, इन चीज़ों को अटैक करते हैं ओल्ड बुक्स को मिलने. नेक्स्ट इज़ आपका लाइफ साइकिल क्या होता है, किस तरीके से इसकी जो जनरेशन बनती है वो किस तरीके से होता है, या ब्रीडिंग किस तरीके से होता है. द फीमेल लेज एग्स इन वार्म प्लेसेस, जो गर्म जगह होती है वहाँ पे ये एग लेज करती है. कौन? फीमेल करती है. एंड विच आफ्टर इनक्यूबेशन, इनक्यूबेशन के बाद, इनक्यूबेशन पीरियड के बाद 6 to 10 days हैच इन टू यंग. जो एग होता है इनक्यूबेशन पीरियड के बाद, अबाउट 6 to 8 10 days में वो हैच हो जाता है यंग निम्फ में. क्या बनाता है? निम्फ बनाता है, जो कि विच आर जस्ट लाइक द एडल्ट बट आर स्मॉलर इन साइज, एंड देन द एडल्ट सिल्वर फिश जो एंड सॉरी स्मॉलर इन साइज देन द एडल्ट सिल्वर फिश. जो निम्फ्स बनते हैं ये स्मॉलर इन साइज होते हैं देन द सिल्वर फिश, जो सिल्वर फिश होता है. एंड आफ्टर 7 to 9 months, जो 9 to 7 months तक के बाद क्या होता है, इट मेच्योर्स. ये बहुत मेच्योर हो जाते हैं एंड इज़ रेडी फॉर फर्दर ब्रीडिंग. और फिर ये फर्दर ब्रीडिंग के लिए क्या होता है, इनमें ये नए जनरेशन बनाते हैं, ये स्टार्ट हो जाता है. तो हेयर इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सिल्वर फिश या लेपिस्मा सैकरीना, एंड इट लुक्स लाइक दिस.
और इसको हम विंगलेस कहते हैं, वाइटिस इन कलर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा सिल्वर कलर भी आ जाता है, सिल्वर भी होते हैं, थोड़े साइनी साइनी होते हैं। ये ऊपर वाला पोर्शन आपने अपने घर में देखा होगा इस तरीके से सिल्वर फिश को, बट कभी कभी लोग इसका नाम नहीं जानते। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। ये रफ डायग्राम मैंने आपको बताने के लिए बनाया, आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से बना हुआ है और ये स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट बात करते हैं हाउ टू प्रिवेंट, और या किस तरीके से इसको कंट्रोल करेंगे इसके डैमेज से, मतलब अगर ये बुक्स में जा रहे हैं तो उसको डैमेज कर रहे हैं, तो हाउ टू कंट्रोल दीज इंसेक्ट्स। ओके, तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात करें तो बुक्स शुड नॉट बी केप्ट इन डैम्प प्लेसेस। डैम्प प्लेसेस मीन्स जो नम वाली जगह होती है वहाँ पे नहीं रखनी चाहिए बुक को। एंड आफ्टर सम टाइम्स बुक्स शुड बी एक्सपोज टू सनलाइट, स्पेशली इफ़ दे आर नॉट अंडर रेगुलर यूज़। जो बुक्स रेगुलर यूज़ में नहीं होते हैं उनको सनलाइट में ले जाके थोड़ा सा धूप दिखा देना चाहिए। एंड पॉइजन्ड ग्लू पेस्टेड ओवर द पेपर शुड बी केप्ट विद द बुक्स विच वुड कॉज मोर्टैलिटी टू सिल्वर फिश। एक पॉइजन ग्लू आता है एक पेपर पे लगा के उसको बुक्स के बीच में रख देना चाहिए ताकि जो ये जो सिल्वर फिश है इनकी डेथ हो जाती है। मोर्टैलिटी मतलब डेथ कॉज करता है ये जो ग्लू होता है। एंड दिस बेट, ये बेट मतलब क्या होता है, जो फीडिंग के लिए उनको लालच दिया जाता है एंड इसको ये बोलते हैं बेट, या फिर हम कह सकते हैं जो फीड करते हैं जिस पे ये दिस बेट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग व्हीट फ्लोर, आटा रहता है, सोडियम फ्लोराइड होता है और पाउडर शुगर होता है एंड पाउडर कॉमन सॉल्ट होता है। इसको इस प्रोपोर्शन में मिला के इस ग्लू को लगाते हैं पेपर पे और उसको रख देते हैं ताकि जो सिल्वर है, सिल्वर फिश है, वो उसकी डेथ हो जाए। तो इसको ही बेट कहते हैं जो हम मिक्सचर बना रहे हैं जिस पे वो फीड करेगा। द डस्टिंग ऑफ 5% मेलाथियन हैज़ प्रूव्ड टू बी इफ़ेक्टिव कंट्रोल मेजर फॉर हेविली इन्फेक्टेड केसेस। जब ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, सॉरी इन्फेक्टेड हो जाता है, बुक्स वगैरह को इन्फेक्ट करते हैं, देन हम 5% जो है जो मेलाथियन है उसको यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है जो प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, और किस तरीके से हम अदर इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक अभी जो हमारा था ऊपर वाला, हमने सिल्वर फिश डिस्कस किया था विच इज़ आपका, उसको हम लैपिसमा सैकरिना कहते थे। एंड नेक्स्ट इज़ आपका ह्यूमन ह्यूमन लाउस कहते हैं एंड इसका प्लूरल होता है लाइस। तो लाउस को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, एंड इट इज़ नोन एज पेडिकुलस ह्यूमैनस ह्यूमैनस कैपिटिस। इसका जो Pandiculus humanus capitis, there are 3 types of louse. First आपका होता है head louse, अभी हम आगे उसके नाम को भी discuss करेंगे। Second आपका होता है body louse, third आपका जो होता है ये आपका pubic, या कह सकते हैं एक होता है pubic, 3 body parts पे होते हैं एक human beings के, तो उसको हम discuss करेंगे। तो ये जो क्लास है, क्लास इज़ आपका इंसेक्टा एंड ऑर्डर इज़ आपका एनोप्लूरा एंड फैमिली आपका जो नेम है इसका उसी से बना है पेडिकुलाइडी। एंड इस तरीके से स्ट्रक्चर आप देख सकती हो। लाउस आप सभी ने घर में, जैसे हिंदी में आई थिंक जू कहते हैं, ठीक है, ये हेड लाउस है। ये इस तरीके से आप स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, रफ डायग्राम है, मैंने आपको बताने के लिए बनाया है। तो लाउस इज़ द ब्लड सकिंग एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। एक्टोपैरासाइट जो बॉडी के ऊपर रहते हैं, नॉट इनसाइड द बॉडी। एंडोपैरासाइट्स होते हैं जो बॉडी के अंदर होते हैं, यानी ब्लड वगैरह में सर्कुलेट होते हैं। तो लाउस इज़ द ब्लड सकिंग एनिमल, ये ब्लड को सक करते हैं। दे आर एक्टोपैरासाइट्स एंड लाइस आर एक्टोपैरासाइट्स ऑफ मैन एंड कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी हर जगह पाए जाते हैं एंड दे आर फाउंड मोस्टली इन मिलिट्री बैरिक्स में पाए जाते हैं, प्रिजन्स में। मिलिट्री बैरिक्स जो बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ पे लोग रहते हैं मिलिट्री वाले, एंड प्रिजन्स मतलब जो जेल होता है, ऑर्फेनेजेस में पाए जाते हैं एंड कॉमन हाउसेस में पाए जाते हैं जो सभी के घर होते हैं, उसमें भी आपने देखा होगा। बालों में, हेयर में आपके जू होते हैं। तो इट इज़ अ हेड लाउस। जो अभी हमने ऊपर जो साइंटिफिक नेम पढ़ा था वो हेड लाउस का था। किसका था? हेड लाउस का था। उसको हम हेड लाउस बोलते हैं, जो कॉमन ये साइंटिफिक नेम जो हमने पढ़ा था, ये आपका पेडिकुलस ह्यूमैनस कैपिटिस हेड लाउस होता है। और इट इज़ अ हेड लाउस फाउंड इन द हेड हेयर, और इसको पेडिकुलस ह्यूमैनस जो है पेडिकुलस
ह्यूमैनस आपका आपका क्या कहते थे, पेडिकुलस ह्यूमैनस कैप्टिस कहते थे इसको, हेड हेयर को, सॉरी जो हेड लाउस थे, ठीक है। नेक्स्ट आपके क्या होते हैं, आपका इसी नेम से है, पेडिकुलस ह्यूमैनस कॉर्पोरिस। कॉर्पोरिस का मतलब होता है ये आपके बॉडी लाउस होते हैं, जैसे मैंने बताया थ्री टाइप्स के होते हैं। तो इज अ बॉडी लाउस फाउंड इन द हेयर ऑफ द आर्म्स पिट्स, जो आर्म पिट्स होते हैं उसमें पाए जाते हैं, एंड क्लॉथ्स में पाए जाते हैं, गारमेंट्स। एंड आपका नेक्स्ट जो है आपका थीरियस प्यूबिस, थीरियस प्यूबिस लीनियस, ये आपके तीनों एक ही का नाम है। आपका थीरियस प्यूबिस लीनियस जो है इज अ क्रैब लाउस, इसको क्रैब लाउस के नाम से जाना जाता है। ये पाया जाता है फाउंड इन हेयर ऑफ प्यूबिक रीजन ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये प्यूबिक रीजन जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उसके ऊपर ये पाए जाते हैं, ये वाले ह्यूमन बींग्स की। तो ये आपके थ्री टाइप्स के जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं लाउस के, ये पाए जाते हैं, बॉडी हेयर, हेड हेयर और प्यूबिक आपके रीजन में जो पाए जाते हैं। द एडल्ट आर ग्रेस वाइट, ग्रेस वाइट होते हैं, विंगलेस ये भी होते हैं, एंड फ्लैटेन बॉडी होती है इनकी, एंड अबाउट 1.5 to 4 mm इन लेंथ होते हैं, एंड दे आर प्रोवाइडेड विद अ पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ, जो माउथ होता है इनमें पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप का होता है। बॉडी लाउस इज कंपेरेटिवली लार्जर देन द हेड लाउस, जो बॉडी लाउस होता है जिसको क्रैब लाउस कहते हैं, ये लार्जर होता है देन द हेड लाउस, ओके। एंड डैमेज क्या कॉज करते हैं, दे सक द ब्लड, कॉजेज अनॉयंस, इचिंग, इरिटेशन, एंड ट्रांसमिट जर्म फ्रॉम सर्टेन डिजीजेज। ये इचिंग होती है इनसे जब रेसेस होती हैं, इरिटेशन होता है, अनॉयंस मतलब व्यक्ति जो है बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये डैमेज कॉज करते हैं। लाइफ साइकिल की बात करें, लाइफ साइकिल जो है, लाइफ साइकिल की बात करें तो लाउस जो होता है ब्रीड थ्रू आउट द ईयर इन द वॉर्म ड्वेलिंग, ये पूरे साल इनमें ब्रीडिंग होती है। इन केस ऑफ हेड लाउस एग्स आर लेड ऑन हेयर ऑफ द हेड, जो हेड लाउस होते हैं वो जो एग होता है वो लेज करते हैं ऑन हेड, वाइल द बॉडी लाउस जो होते हैं लेज एग्स ऑन सीम्स ऑफ क्लॉथ्स। सीम्स क्लॉथ्स मतलब जहाँ से सिलाई होती, स्टिचिंग होती है, उसके बीच में पाए जाते हैं, जहाँ पे वो लाइनिंग होती है वहाँ पे ये एग लेज करते हैं। द फर्टिलाइज फीमेल लेज 8 to 10 eggs per day and 50 to 100 eggs are laid by the head louse. जो head louse है वो जो egg lays करता है 50 to 100 eggs lays करता है, ठीक है। head louse जो होता है जबकि इतना करता है, जो अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था ये head louse ही है। बॉडी जो बॉडी louse होता है लाउस होता है वो 200 to 300 एग्स लेड करता है, ले करता है बाय बॉडी लाउस जो होता है वो कितने ले जो एग है ले करता है वो 200 to 300, ठीक है। तो इतने लेग मतलब आप एग्स होते हैं लेज करता है आपका 200 to 300 आपका बॉडी लाउस, और आपका हेड लाउस का जो है ये आपका अबाउट 50 to 100 एग्स लेज करता है आपका हेड हेयर लाउस जो होता है। एग्स आफ्टर अ वीक हैसेज इन टू अ वेरी टाइनी लाउस विच एट वंस बिगिंस फीडिंग अबाउट 2 to 6 टाइम पर डे फॉर द नेक्स्ट 1 to 6 4 weeks। जो एग होता है आफ्टर अ वीक क्या होती है, उसमें हैच हो जाता है, हैसेज इन टू अ वेरी टाइनी लाउस में बदल जाता है और फीडिंग करना शुरू कर देता है। एक दिन में 2 से 6 बार फीड करता है और ये जो प्रोसेस होती है 1 to 4 weeks तक चलती रहती है। द लाइफ स्पेन ऑफ एडल्ट इज़ अबाउट 1 month, जो लाइफ स्पेन होता है जितना दिन का लाइफ स्पेन होता है वो इज़ अबाउट 1 month। एंड प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, यानी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैसे होता है, तो वन शुड हैव क्लीन क्लोथ्स, रेगुलर बॉथ एंड अवॉइड वेरी क्लोज कॉन्टैक्ट विद इंसेक्ट, ये इन्फेस्टेड, ये जो जिनको जिनमें बहुत ज़्यादा जू होता है हेयर में उनसे कांटेक्ट ना करें, एंड अ ड्रॉप ऑफ मर्करी, अरे यार, अ ड्रॉप ऑफ मर्करी इज पुट इन अ लिटिल मस्टर्ड ऑयल एंड रब्ड विद अ पीस ऑफ कॉइन फॉर इफेक्टिव डीलाउसिंग। इसमें मर्करी यूज़ किया जाता है जिसको मिक्स किया जाता है मस्टर्ड ऑयल में, एंड उसको एक क्वाइन से लेके रब किया जाता है जहाँ पे जो लाउस होता है, तो जाकि जो लाउस है वो ख़त्म हो जाए।
और द स्योरेस्ट एंड द सेफेस्ट मेथड ऑफ किलिंग द बॉडी लार्वास फ्रॉम द क्लोथ्स इज़ वैक्यूम फ्यूमिगेशन जो होता है, जिसमें स्मोक से हटाया जाता है विद एचसीएन। ये एचसीएन क्या होता है? एचसीएन इज़ आपका हाइड्रोजन साइनाइड होता है, और बाई मिथाइल ब्रोमाइड फ्यूमिगेशन होता है। फ्यूमिगेशन मतलब स्मोक का यूज़ किया जाता है। द डीटीटी बेंजील बेंजोएट फॉर हाँ सॉरी, ये आपका फॉर्मुलेशन, हाँ सॉरी, ये आपका जो यहाँ पे डीडीटी है, डीडीटी आपका होता है डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो एथिलीन होता है, और डाई ये आपका फुल फॉर्म ये होता है कि डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो एथेन बेंजील बेंजोएट जो होता है का जो फॉर्मुलेशन इमल्सन होता है इज़ वेरी मच इफेक्टिव होता है फॉर द बॉडी लाउस एंड हेड लाउस बोथ, दोनों के लिए, ठीक है। एंड पाउडर कंटेनिंग 2% ऑफ मेलिथियन और 1% ऑफ लिंडेन इज़ यूजफुल फॉर द डी लाउसिंग, ठीक है। जो पाउडर यूज़ होता है मेलिथियन का और लिंडेन का, लिंडेन को आपका गामा ये भी कहते हैं, गामा BHC कहते हैं, गामा हेक्सा क्लोरो साइलो हेक्सेन भी होता है इसको, अभी आगे लिंडेन यूज़ होता है, इसको यूज़ किया जाता है फिर फॉर डी लाउसिंग, ठीक है। अ प्रॉपर शैम्पू शुड बी यूज टू क्लियर द हेयर, सॉरी क्लीन द हेयर। प्रॉपर शैम्पू भी यूज़ करना चाहिए बालों में से जो हेयर लॉस होते हैं उसको हटाने के लिए। नेक्स्ट इज़ आपका बेड बग, जिसे सीमेक्स या यहाँ पे सीमेक्स हेमिप्टेरिस है ये, ठीक है। ये आपका ओके, दिस इज़ आपका सीमेक्स हेमिप्टेरिस, यहाँ पे पी नहीं है, ओके। दिस इज़ हेमी सिमेक्स हेमिप्टेरिस, ओके। ये आपका बेडबग को कहते हैं, और ये भी क्लास इंसेक्टा में आता है, एंड इट लुक्स लाइक दिस, ये इस तरीके से दिखता है, आप सभी ने देखा होगा बेड में होता है, और जितने भी कॉट होते हैं फर्नीचर्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं। एंड ऑर्डर इसका हेमिप्टेरा है, और फैमिली आपकी सिमिसाइडी है, सिमिसाइडी, और इसको सिमेक्स हेमिप्टेरिस कहते हैं, यहाँ पे पी दोबारा नहीं है, यहाँ पे HEMIPTERUS होता है, ठीक है। इट इज़ अ कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका। एंड इनहिबिट्स होटल रूम्स ओल्ड बिल्डिंग्स हाउसेस पोल्ट्री सेट्स बांस स्लीपिंग कॉट्स एंड मैट्स। बांस मतलब क्या होता है? जो फार्म होता है जहाँ पे ग्रेन्स को कलेक्ट करके रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। स्लीपिंग कॉट्स चारपाई जैसा, मैट्स जो सोने के लिए यूज़ होता है उस पर पाए जाते हैं बेड्स पे। एंड ऑल दो दिस इज़ अ नॉक्टर्नल, ये नॉक्टर्नल होते हैं बट कम्स आउट ऑफ एंड ड्यूरिंग द डे, लेकिन दिन में भी दिखाई देते हैं। दे ऑल्सो अटैक्स माइस, माइस पे भी अटैक करते हैं, रैबिट्स पे, हॉर्सेस पे, कैटल पे, एंड आपके जो भी पोल्ट्री एक्सेट्रा है उस पर ये इसको भी अफेक्ट करते हैं। दे सक द ब्लड बाई देयर पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स एंड कैरी ब्लड इन्फेस्टिंग डिजीजेज, ये भी ब्लड सक करते हैं, इनमें भी जो माउथ होता है सकिंग एंड पियर्सिंग टाइप का होता है। द एडल्ट बेड बग इज़ विंगलेस, और विंगलेस होते हैं, ये भी ब्राउन कलर के होते हैं एंड 3 to 5 mm इन लेंथ है, एंड दे आर हैविंग डिस्टिंक्ट ऑफेंसिव ऑडर होता है, इनमें स्मेल आती है। ओविपोर फीडिंग दे आर एक्टिव बट वेन फुली फेड बिकम स्लगिस, ये बहुत एक्टिव होते हैं जब ये फीड नहीं किए रहते, लेकिन आफ्टर फीडिंग ये बिकम स्लगिस, यानी जैसे पायला होता है ना, स्लगिस हो जाते हैं, थोड़े लेस एक्टिव हो जाते हैं। डैमेज क्या क्या कॉज करते हैं? दे ऑलवेज डिस्टर्ब द ह्यूमन बींग्स एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग, सोने के टाइम ही ज़्यादातर डिस्टर्ब करते हैं। इचिंग होती है इनके बाइट से, दे बाइट बाई पियर्सिंग माउथ पार्ट्स कॉजिंग इचिंग एंड इरीटेशन कॉज करते हैं। दे आर कैरियर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ अ नंबर ऑफ डिजीजेस, काला आजार, प्लेग, टाइफॉइड एंड ट्यूबरकुलोसिस, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि ये एज अ वैक्टर की तरह काम करते हैं, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, बट ऐसा कहा जाता है कि दे कैरियर होते हैं। हाउएवर नो डायरेक्ट प्रूफ हैज़ बीन एडवांस दैट बेड बग्स आर कॉमन वैक्टर ऑफ डिजीजेस। नेक्स्ट इज आपका लाइफ साइकिल होता है। बेड बग्स ब्रीड थ्रू आउट द ईयर लाइक लाउस, ये भी थ्रू आउट द ईयर ब्रीडिंग होती है इनमें। एंड ऑल दो इट इज़ अफेक्टेड बाई क्लाइमेट कंडीशन एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द ब्लड मेल जो ये जिसपे फीड करते हैं, एंड क्लाइमेट कंडीशन भी अफेक्ट करता है। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन फीमेल लेज
अबाउट 75 to 500 एट अ रेट ऑफ 3 to 4 eggs डेली इन अ सेफ प्लेसेस. सो लाइक जो क्रैक्स ऑफ फर्नीचर्स होते हैं जहाँ पे टूटे होते हैं उनके होल में देते हैं, जैसे जॉइंट्स जहाँ पे होते हैं फर्नीचर के उनके बीच में ये एग लेज करती हैं फीमेल. कॉर्ड्स जो होती हैं चारपाइयाँ होती हैं एंड बिहाइंड द बेस बोर्ड्स के पीछे ये एग लेज करती हैं. आफ्टर 6 to 17 days ऑफ इनक्यूबेशन एग्स आर हैस्ट इनटू यंग निम्फ्स बनाते हैं एंड द लाइफ साइकिल इज कम्प्लीटेड इन अबाउट 2 to 10 months टाइम डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशन. लाइफ साइकिल जो है वो मंथ जो है वेरी करता है. इट हैज़ ऑल्सो बीन नोटिस दैट 4 generations में अकर इन अ ईयर और ये थ्रू आउट द ईयर ब्रीडिंग होती है. तो ऑब्वियसली 4 generations ऐसा माना गया है कि जो 4 generations हैं एक ही साल में इनका ब्रीडिंग के थ्रू हो जाता है. द एडल्ट बर्ग कैन लीव विदाउट फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम विच मे बी अप टू 1 year एंड विदाउट फूड जो एडल्ट बर्ग होते हैं बेड बर्ग होते हैं रह सकते हैं 1 year तक. एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात करें द वॉल्स एंड फ्लोर शुड बी वाइट वॉश्ड एंड हाउसेस शुड बी फ्यूमिगेटेड बाय SCN. आपको बताया हाइड्रोजन साइनाइड मिथाइल ब्रोमाइड और मेथिल फॉर्मेट्स के फ्यूमिगेशन से क्या करना चाहिए, वॉल घर को साफ करना चाहिए. स्प्रेइंग ऑफ 5% ऑफ टॉक्साफिन और 1 to 2% ऑफ क्लोरिडेन एंड गामा BHC जो लिंडेन होता है उसको ही कहते हैं, उसी का एक आइसोमर है ये लिंडेन. कंट्रोल द बेड बग्स ये कंट्रोल करते हैं एंड द क्रूड ऑयल इमल्सन और केरोसिन ऑयल और बेंजीन इमल्सन आर यूज्ड फॉर द स्प्रेइंग एंड रिपीटेड आफ्टर 3 to 4 days इसको रिपीट किया जाता है. एंड टिक 20 इज ऑल्सो यूज फॉर द देयर कंट्रोल के लिए यूज़ होता है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होम रेमेडी होती है जो यूज़ होती है घर में मोस्टली किसी को स्प्रेइंग क्या नहीं करा पाता या फ्यूमिगेशन नहीं करा पाता है या फिर इंसेक्टिसाइड यूज नहीं कर पाता है, देन वो लोग क्या करते हैं घर में ही बॉयल कर देते हैं वाटर को एंड इसको क्या करते हैं फर्नीचर उसमें पोर करते हैं फर्नीचर के बीच बीच में जहाँ पे होल या फिर क्रैक्स होते हैं विच रिड्यूसेस इन्फेस्टेशन जो इन्फेक्शन को इचिंग को वगैरह को रिड्यूस करता है उनको किल करता है. तो घर में यूज़ किया जाता है. सो ये ओवरऑल आपका ये जो चैप्टर था बायोलॉजी एंड कंट्रोल ऑफ लेपिस्मा पेडिकुलस एंड सीमेक्स का ये कंप्लीट होता है. एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.